खबर कांकेर जिले के पंखाजुर से है, जहां प्रशासन और विभाग की लापरवाही के चलते तीन गांव के लोगों की जिंदगी अब खतरे में आ गई है और वे अपनी जरूरी सामान, अनाज और परिवार को लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं। दरअसल पंखाजुर क्षेत्र के PV133 अवधपुरी में स्थित जलाशय के बांध में दरार पड़ चुकी है और जलाशय से बड़ी तेजी से पानी निकल रहा है, जिससे अब बांध के टूटने का खतरा मंडरा रहा है। इस जलाशय में 3 साल पहले ही दरार पड़ चुकी थी, जिसकी जानकारी ग्रामीणों द्वारा लगातार सिंचाई विभाग सहित प्रशासन को दी जा रही थी, लेकिन हर बार रिपेयरिंग के नाम पर विभाग द्वारा बस लीपापोती ही किया गया, जिसका खामियाजा अब ग्रामीणों को उठाना पड़ सकता है। वही संबंधित विभाग को जानकारी लगते ही सिंचाई विभाग के SDO और इंजीनियर मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल ग्रामीण और विभाग द्वारा दरार को भरने की कोशिश की जा रही है। दरार का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे में यदि जल्द से जल्द दरार को नहीं भरा गया तो बांध कभी भी टूट सकता है, जिससे कई गांव डूब सकते हैं। सीधा सीधी बात है कि इसका पूर्ण दोषी जो है विभागीय अधिकारी करना चाहिए, उनको समय रहते इस पर ध्यान देना चाहिए था। जो भी मरम्मत का कार्य था, ये पानी भरने से पहले ही इसको पूरा कर लेना चाहिए था, मगर किसी प्रकार की ये इस प्रकार के कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है, जिसके चलते ये हादसा जो है पानी भरने से अभी हो रही है। इसमें ग्रामीणों को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाने का जो है कगार पर अभी है, क्योंकि अगर ये पानी जो लीकेज है ये अगर किसी प्रकार से बृहद रूप ले लिया और ये बांध टूटा तो ये PV133 नंबर जो विलेज है पूर्ण तरह से ये पानीमय हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, इसलिए भारी नुकसान की यहाँ आशंका जताया जा रहा है। अभी वर्तमान में जिस प्रकार से यहाँ पानी गेट के साइड से लीकेज हो रही है, इस पानी से यहाँ नीचे डुबान क्षेत्र में जो किसानों का खेत है, लगभग 50 से 60 एकड़ की जो फसल लगी हुई है वो पूरी तरह से बर्बाद है। तो कहीं ना कहीं हम ये इसे सभी किसान भाइयों की ओर से मांग करते हैं कि शासन इस पर अपना ध्यान आकर्षण कर किसान भाइयों को उचित मुआवजा का प्रावधान करे, साथ ही जो दोषी अधिकारी कर्मचारी है उन पर भी कार्रवाई करे, ऐसा सभी किसान भाइयों का इस क्षेत्र के मांग। गर्मी में तो किए थे मरम्मत और अभी अब ये स्थिति आ गई तो क्या कर सकते, देख रहे प्रयास कर रहे हैं बांधने का व्यवस्था कर रहे हैं, देते हैं अब जल्दी आ जाए व्यवस्था कम्प्लेन अगर आएगा तो तुरंत वो करेंगे, उसको लगेंगे इस तरह से कम्प्लेन जो खतर है मत हुआ था, अभी तभी तो ध्यान दिए तभी तो मरम्मत किए, तो क्या बोल सकते हैं उसका, बोल सकते हैं मसाला उसका निकल गया पुराना बना हुआ है इसके हर साल तो बांध रहे थे उसको ठीक कर रहे हैं, ठीक नहीं है मरम्मत करना था उसके डाल तो ये तब भी पिछले साल तो था, 8 साल भी अभी तक टूटा हुआ था अचानक से रात में यहाँ पे डैम के नीचे कम से कम 50 एकड़ होगा और नुकसान होगा तो कम से कम 250 एकड़। अच्छा क्या था सवेरे वही 7-8 बजे, अभी आया है लेकिन बातचीत नहीं हुआ है।